नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। रोज की भांति आज हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनरल नॉलेज, जो आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप रोज इस तरह से किसी एक विशेष सब्जेक्ट को लेकर जो है हम जनरल नॉलेज के महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए प्रस्तुत करते हैं, जिन्हें याद करके स्मरण में रखकर कोई भी एग्जामिनेशन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, ये आपके महत्वपूर्ण है ये जनरल नॉलेज। आइए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है आज की। सबसे पहला क्वेश्चंस है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री क्या थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल फजल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? आज के सब्जेक्ट में हम एजुकेशन को लेकर यहाँ पर जनरल नॉलेज दे रहे हैं, जो हर एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना अबुल फजल, सरदार वल्लभ भाई पटेल या सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ध्यान रखेगा, इसका सही आंसर ए, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे प्रथम शिक्षा मंत्री। आइए हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अनुच्छेद 21 ए किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 96वां, 46वां, 66वां या 76वां? किस संविधान संशोधन के द्वारा आर्टिकल 21 ए को जो है जोड़ा गया है? ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 21 ए राइट टू एजुकेशन से संबंधित प्रावधान है। जो आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी के साथ में जोड़ा गया है। आर्टिकल 21 को राइट टू लाइफ विद डिग्निटी कहते हैं और ये शिक्षा राइट टू लाइफ डिग्निटी दिलाता है, इसलिए बी 46वां संविधान संशोधन सही आंसर है। ध्यान रखिएगा, आइए क्वेश्चन नंबर 3। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1995, 2005, 2002 या 2000 में? कब मध्याह्न भोजन भारत में प्रारंभ हुआ था? मध्याह्न भोजन जो बच्चों को आकर्षित करता है स्कूल आने में, 1995, 2005, 2002 या 2000 में ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? कब प्रारंभ हुआ था शायद आपको जानकारी होगा। हम यहाँ पर आपको कुछ समय दिए। इसका सही आंसर जो है ए 1995 है दोस्तों, 1995। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 93वां संविधान संशोधन में क्या जोड़ा गया? 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था? अनुच्छेद 15(4), अनुच्छेद 15(5), अनुच्छेद 15(6) या अनुच्छेद 15(2)? क्या जोड़ा गया था आपको पता होगा। ये 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में जो निजी स्कूल है, निजी स्कूल में भी रिजर्वेशन एससी एसटी और बीसी के बच्चों को जो है रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में जोड़ा गया है, तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो सकता है। ए आंसर सही है, बी आंसर सही है, सी आंसर या डी आंसर सही है? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर बी अनुच्छेद 15(5) में इसको जोड़ा गया है, निजी स्कूलों में आरक्षण। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राधाकृष्णन आयोग की स्थापना कब हुई? 1947 में, 1948 में, 1951 में या 1952 में? कौन सा ऑप्शन सही है? उच्च शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राधाकृष्णन आयोग की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1947 में, 1948 में, 1951 में या 1952 में? सही आंसर आपको देना है, सही आंसर आपको देना है दोस्तों, सही आंसर, इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, सही आंसर 1948। बी आंसर सही है, राधाकृष्णन आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च शिक्षा के मानकीकरण के लिए क्या स्थापित हुआ? मानकीकरण के लिए क्या स्थापित हुआ? शिक्षा आयोग, UGC, कोठारी आयोग या केंद्रीय विद्यालय? उच्च शिक्षा के मानकीकरण के लिए क्या स्थापित हुआ? शिक्षा आयोग, UGC या कोठारी आयोग या केंद्रीय विद्यालय? कौन सी स्थापना हुई? आपको सही आंसर चुनना है। हम आपको कुछ सेकंड दे रहे हैं ताकि आप इसको चुन सकें।
शायद आपने सभी लोग जो है कोठारी आयोग को आंसर दे रहे होंगे, ऑप्शन चुन रहे होंगे, लेकिन हम आपको बता रहे हैं इसका सही आंसर जो है UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना हुई है। उच्च शिक्षा के मानकीकरण के लिए UGC की स्थापना हुई है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्कूली शिक्षा को पाठ्य पुस्तकें कौन उपलब्ध कराता है? NCERT, स्कूली शिक्षा मंत्रालय, या यहाँ पर MHRD, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, या केंद्रीय विद्यालय, कौन सा सही आंसर है? स्कूली शिक्षा को पाठ्य पुस्तकें कौन उपलब्ध कराता है? NCERT या स्कूली शिक्षा मंत्रालय या MHRD या केंद्रीय विद्यालय, कौन सा ऑप्शन सही है आपको चुनना है, जल्दी से चुन लीजिए, हम आपको कुछ सेकंड दे रहे हैं। साथियों इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफलता अर्जित करेंगे ही। ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर ए है, NCERT। NCERT की स्थापना की गई थी जो पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत का प्रथम मुक्त यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी, फर्स्ट यूनिवर्सिटी, फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुआ था, इसका नाम क्या है? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, या जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय, कौन सा ऑप्शन सही है? भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय, इग्नू राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय, या जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, सही आंसर आपको चुनना है दोस्तों, जल्दी से चुनिए, जो भी चुनना है चुनिए। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं ए है, आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय है, ये आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पुराना IIT कहाँ स्थापित हुआ? सबसे पहला, सबसे पुराना IIT कहाँ स्थापित हुआ? खड़गपुर, मुंबई, कानपुर, या चेन्नई, आपको सही आंसर चुनना है। हम आपको कुछ सेकंड दे रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, आप इसको जो है केवल जनरल स्टडी के रूप में याद कर लें। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पुराना IIT कहाँ स्थापित हुआ था? खड़गपुर में, मुंबई में, कानपुर में, या चेन्नई में, सही आंसर जल्दी से चुनिए, हम आपको सही आंसर भी बता देते हैं। आइए, सबसे पुराना IIT जो स्थापित हुआ था उसका नाम है खड़गपुर, ए आंसर सही है, खड़गपुर सही आंसर है, सबसे पुराना IIT है खड़गपुर विश्वविद्यालय, बहुत नामी विश्वविद्यालय है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? गुड़गांव में, मेरठ में, कानपुर में, या चेन्नई में? भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय जिसको हम लोग रक्षा विश्वविद्यालय कहते हैं, ये कहाँ स्थित है? गुड़गांव में, मेरठ में, कानपुर में, या चेन्नई में, कहाँ स्थित है दोस्तों? आपको सही आंसर चुनना है, सही आंसर चुनना है। एकमात्र, हमने कभी सामान्य अध्ययन में ये प्रश्न भी पूछ चुका है, शायद आपको पता होगा सही आंसर क्या हो सकता है, इसका सही आंसर गुड़गांव है, याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है और किस तरह से प्रश्न देना है। यशपाल समिति संबंधित है, बच्चों के वस्तुओं को कम करना, बच्चों के मानसिक स्थिति को समझना, यह अनिवार्य स्कूल जाने का प्रयत्न करना, यह मध्यान्ह भोजन, क्या आंसर सही है? यशपाल समिति संबंधित है, बच्चों के वस्तुओं को कम करना, बच्चों के मानसिक स्थिति को समझना, अनिवार्य स्कूल जाने का प्रयत्न करने के लिए प्रोत्साहित करना, यह मध्यान्ह भोजन से संबंधित है, सही ऑप्शन आपको चुनना है। यशपाल समिति संबंधित है, इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, ये ए आंसर सही है, बच्चों के वस्तुओं को कम करने के लिए यशपाल समिति गठित की गई थी, ध्यान रखिएगा ये आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 की प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी भौतिक सुविधाएं जुटाना सिफारिश है। यहाँ पर 1967 की प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी भौतिक सुविधाएं जुटाना सिफारिश है, किसकी सिफारिश है? कोठारी आयोग, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड, सर्वशिक्षा अभियान, या शिक्षा का अधिकार के अंतर्गत, क्या है बताइए, कौन सा सही आंसर है आपको चुनना है, सही आंसर। 1967 की प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी भौतिक सुविधाएं जुटाना, ये किसका आंसर सही है बताइए, देखते हैं कौन सा सही आंसर बताता है, ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड सही आंसर है दोस्तों।
यह ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड 1967 के प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी भौतिक सुविधाएं जुटाना सिफारिश किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कितने उम्र तक के लोगों को कार्यशील क्षमता दी जाती है, कार्यशील साक्षरता दी जाती है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कितने उम्र तक के लोगों को कार्यशील साक्षरता दी जाती है, 14 से 40, 15 से 35, 16 से 36 या 15 से 50। क्या आंसर सही है आपको बताना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में कितने उम्र तक के लोगों को कार्यशील साक्षरता दी जाती है, 14 से 40, 15 से 35, 16 से 36 या 15 से 50। इसका सही आंसर हम आपको बता रहे हैं दोस्तों, बी आंसर सही है, 15 से 35 वर्ष तक के लोगों को जो है ये राष्ट्रीय साक्षरता मिशन में रखा गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पब्लिक विश्वविद्यालय किसे कहते हैं, DU, IGNOU, JNU या BHU? शायद आप जानते होंगे पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटी किसे कहा जाता है, DU, JNU, IGNOU या BHU? सही आंसर जल्दी से बताइए दोस्तों। इस तरह से आप अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल हो ही जाएंगे। इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, IGNOU को कहा जाता है। IGNOU को पब्लिक यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि पब्लिक के लिए बहुत ही हितकारी साबित हुआ है। दोस्तों इस तरह से आपको जो है क्वेश्चंस आपको छाटना है, अध्ययन करना है, और फिर एग्जामिनेशन में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगा ही, निश्चित रूप से सफलता मिलेगा ही दोस्तों। आइए प्रश्न कुछ बच गया है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन जो है, सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ, 2001, 2005, 2002 या 2000? कब पारित हुआ सर्व शिक्षा अभियान? हम आपको छोड़ रहे हैं कमेंट्स बॉक्स में इसका सही आंसर ढूंढना है, इसका सही आंसर आपको ढूंढना है, या आप कमेंट्स में लिखिए हैं सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ। मुझे लगता है ये 2000 में प्रारंभ हुआ था, ये 2000 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है, ये 2000 में प्रारंभ हुआ था मुझे जहाँ तक लग रहा है, याद कर लीजिए, ठीक है। ये थी हमारी जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान, इसको देख कर जो है आप महान बनिए, सफलता अर्जित कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।